स्वतंत्रता संग्राम के जो जननायक सब थे वो हाशिए पे चले गए थे, गुमनाम हो गए थे, जैसे निखिल ने बताया था। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव में आप ये देख रहे हैं कि उन गुमनायकों को फिर से याद करने की बात हो रही है, ये उन महानायकों के कंट्रीब्यूशन को देश सलाम कर रहा है। तो ये चीजें बताने के पीछे नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं कि उन सारे, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कस्बाई इलाका हो, उन सारे उन जननायकों को सामने में लाया गया है। तो ये बात तो बतानी पड़ेगी कि इस देश ने, इस देश के जननायकों नेताओं ने शायद बेईमानी उनके साथ में की जो उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए था। क्या वो सम्मान नेहरू जी को मिला जो आजादी के 75 साल में आप आज आप राष्ट्रीय स्मारक के साथ में नेहरू जी? बिल्कुल, जननायकों को सामने लाने की बात करेंगे विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को ये जो दृश्य वो देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम युवा जो है प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर के प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस तमाम भीड़ का, इन तमाम लोगों का प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। जिस कनेक्ट की बात आप अभी कर रहे थे विनोद जी, वो कनेक्ट यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तमाम लोग यहां पर उमड़े हुए हैं अपने एक प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए, पलक पांवड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे, और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके सामने से गुजर रहा है तो वो उस क्षण को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते हैं, उनकी झलक एक अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। तस्वीरों का मोबाइल कैमरे से लेने का दौर है तो वो भी, उसमें भी वो पीछे।